आपके साथ हल्का। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी नेता वेल में आ गए और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और दागी मंत्रियों के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी नेता वेल में आ गए और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और दागी मंत्रियों के मुद्दे को लेकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ गए हैं। जी उत्कर्ष, बिहार विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां? जी हाँ अलका, आज जो विधानसभा का चौथा दिन है जिसमें काफी ज्यादा हंगामा के साथ शुरुआत हुई है। पहले तो भाकपा माले के जो नेता थे वो विधान परिषद में आके, विधान कक्ष में आके हंगामा मचाया। उसके बाद जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी पेट्रोल डीजल को लेकर सदन के अंदर हंगामा मचा रहे थे। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल आने वाला था उससे पहले जो सचिवालय के थानाध्यक्ष हैं उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, उन्हें धक्का मुक्का दिया गया, साथ ही साथ उनके साथ बदसलूकी भी की गई। अलका जी उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं पटना में आरजेडी विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो पूरा सूबे में चक्का जाम किया जाएगा। आपको बता दें कि विपक्ष किसान आंदोलन और पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमत पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। पटना में जनसंख्या कानून पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश पर कुछ सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून पहले सदन के पटल पर रखा जाए तभी इस पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने बिहार में प्रजनन दर में आई कमी पर सहमति दी। में बने रहने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं, अगर जांच कराई जाए तो उनसे ज्यादा जनसंख्या इन लोगों का है जो लोग बोलते हैं का, और सर्वदलीय बैठक करके इस पर विचार करने की आवश्यकता। लेकिन इस तरह से बीजेपी वाले लोग उस टारगेट एक संप्रदाय के लोगों को कर बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोग खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं, अगर जांच कराई जाए तो उनसे ज्यादा जनसंख्या इन लोगों का है। विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन दानापुर से आरजेडी विधायक हरितलाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन अपराध बढ़ रहा है जो कि शर्मनाक है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लमसम 2000 से 2200 लोग प्रतिदिन किसानी छोड़ने से विवश हो रहे हैं और किसानी छोड़कर अपने अपने लोग भी बच्चों को लेकर के शहर में जाना पसंद कर रहे हैं। कोई खोमचा बेचते हैं, कोई फरी बेचते हैं, तो कोई आलू कटर बेचते हैं, इसी तरह से फुचका बेचते हैं, अनेकों प्रकार के लोग। वहीं दूसरी ओर भाकपा माले के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 18 मंत्रियों पर केस दर्ज है, फिर भी सीएम इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही रुपए हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग भाकपा माले ने की। सरकार के अपराध में 18 मंत्रियों को बर्खास्त करो।